ये एचपी का एक मेन बोर्ड है जिसमें पावर ऑन का इशू है और नहीं हो रहा ये। और इसका अगर कंडीशन दिखाऊं मैं कि क्या कंडीशन है इस बोर्ड का फिलहाल और क्या बिहेव कर रहा है ये, तो दिखाता हूं मैं। ये हुआ इंजेक्टिसी और आपका एम्पियर इतना ले रखा है, ये 0.0059 यानी कि DSW में होगा ये बोर्ड, DS3 में। तो अगर इसको मैं पावर ऑन करूँ तो कुछ ऐसे 10 पे जाके 4 पे वापस आ जा रहा है। अगर फिर से मैं दिखाऊँ तो 10 पे जाके 4 पे आ जा रहा है। तो ये इशू है इसमें और ये पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें मैं ऑलरेडी डायग्नोस करके रखा हूँ और इसमें SOC का इशू है। अदरवाइज इसमें इस वाले बोर्ड में SOC रिप्लेस नहीं करना है, रिवोल करना है। जस्ट रिवोल करने से ही चल जाएगा और दिक्कत भी नहीं आएगा। तो जितने रिक्वायरमेंट्स होते हैं SOC में और SOC के लिए चलने के लिए, पावर ऑन के लिए, डिस्कनेक्ट के लिए, वो सारे लगभग अभी फिलहाल पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो पावर ऑन का रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे वो सब एक्यूरेट है और आ रहा है। तो इसमें SOC जस्ट रिवोल करना है और रिप्लेस नहीं करना। तो मैं ऑलरेडी लॉक यहाँ से कट कर रखा हूँ और ये लॉक कट है यहाँ से और इसको मुझे निकालना है और रिवोल्व करना है। तो इसमें जो थोड़ा सा बहुत काम है निकालने के लिए वो मैं पहले कर लेता हूँ। यहाँ से इसको हटा देते हैं। इसको भी निकालना पड़ेगा। ये आ गया बाहर। अब ज़रा सा इसमें फ्लक्स देना है और इसको रेडी हो जाएगा मशीन पे इसको निकाल के लगाने के लिए। कॉल आ रहा है, ज़रा सा मैं होल्ड करूँगा। तो इसको और थोड़ा सा स्प्रेड कर लूँ मैं ताकि ये खुलने में आसानी हो इसको। और ये हो गया अपना रिक्वायरमेंट कंप्लीट फ्लक्स का। तो जैसे कि अब BGA मशीन का फुटेज मैं नहीं दिखा सकता तो इससे मैं निकाल के लाता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे इस बोर्ड पे। तो तब तक के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। तो ये निकल गया SOC और इसका SOC रहा। अब इस पर हमें काम करना है, यानी कि पहले रिवॉल्व करूँगा इसको, बाद में इसको क्लीन करके यहाँ पर लगाना है। तो इसमें थोड़ा सा मैं समय लूँगा और इसको रेडी करना है। तो ये इसमें बस मुझे सिर्फ रिवॉल्व करके क्लीन करके बोर्ड लगाना है, मेरा बोर्ड ओके हो जाएगा। क्योंकि मैं जिसमें इसमें रिक्वायरमेंट जितना भी है वो सारा चेक कर रखा है। जो भी एप्लीकेशन लेना है यहाँ पे सब देख रखा है, जो भी सप्लाई है सब देख रखा है। कहीं पर कुछ इशू नहीं है, बस प्रॉब्लम है SOC पे। तो अब इसको जस्ट रिवॉल्व करना है, रिवॉल्व करके फिर इस पर काम करना है मुझे। तो इसको बोर्ड को मैं साइड करता हूँ और ये रहा CPU जिसे हम SOC बोलते आ रहे हैं, या SOC है ये। तो फ्लक्स तो है ही इसके ऊपर, बस थोड़ा सा और दे रहा है। स्टेशन चाहिए जो कि थोड़ा सा एक्यूरेट हो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। क्या होगा, रिजल्ट जब आएगा तो मालूम चल जाएगा क्या होगा। तो इसलिए टेम्परेचर का थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये मैं बढ़ाया, टेम्परेचर हो गया। तो अब आते हैं इसको रिवॉल्व करने। इसको पहले तो क्लीन ही करना है। हो गया,
फर्स्ट लेयर तो हमने हटा दिया, अब रहा इस पे फाइनल टचअप। ये हो गया, बस धोना ही बाकी है इसको सिर्फ, तो वो भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ग्लव्स हटाना पड़ेगा मुझे क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होता है, एक हैंड तो चाहिए मुझे विदाउट ग्लव्स के। क्लीन है बट इस साइड में कुछ मुझे दिख रहा है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसे ठीक करना है, इसके लिए छोटा स्टेशन यूज करेंगे इसमें सोल्डरिंग के लिए। वापस से इसको डिसोल्डर यहाँ से यूज करके हटा लेंगे। तो ये हो गया क्लीन, अब इस पर हमें फ्लक्स लगाना है, और फ्लक्स लगाना है तो लगा देते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद स्टेंसिल में इसको डालेंगे किट पे। तो ये हमारा रहा फ्लक्स, और यहाँ पे शायद तक नहीं, नहीं यहाँ पे सूखा नहीं है। चलो इसको मैं से हटा लेता हूँ, फिर इसको यूज़ करूँगा, और थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको पीछे के साइड में भी धोना होता है बट कोई इशू नहीं, इसको धो लूँगा। चलो स्टेशन पे तो नहीं लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये इसका किट में सोल्डरिंग के लिए, रिबोलिंग के लिए कि ये लग गया, अब इस पे लगा लेता हूँ फ्लक्स में। तो ये हो गया,
ठीक है, अब इस पे हम लगा लेंगे इसका टेम्पलेट, जो स्टेंसिल बोलते हैं हम जिसे, इसको वेरीफाई कर लेंगे एक बार कि ये सही है या नहीं, नहीं तो ये लगेगा नहीं। ठीक ही है, कोई तो बड़ा इशू नहीं नज़र आ रहा है इसमें। और ठीक है, यानी कि अब इसमें हम बॉल अटैच करने के लिए डाल सकते हैं। तो 0.45 का लगेगा इसमें, थोड़ा सा मैं इसे एक्स्ट्रा बॉल कुछ यहाँ पे हैं हटा देता हूँ, और ये रहा हमारा बॉल। अब इसे स्प्रेड करना है ताकि ये हर एक जगह पे लग जाए। एक्स्ट्रा बॉल डाल लेंगे वापस हम इसमें जितना निकल सकता है। ये हो गया हमारा, वापस चल गया। उसके बाद हम यूज़ करेंगे कोई ऐसा टूल जिससे हमें एक्स्ट्रा बॉल हटाने में मदद मिल जाए। तो क्लीन होना चाहिए वरना दिक्कत कर जाएगा। तो ये आ गया, चलो ये हो गया हमारा। फाइनल इंस्पेक्शन अब करते हैं इस पे कि कुछ रहे तो नहीं क्या एक्स्ट्रा बॉल्स वगैरह जो भी हैं। तो यहाँ पे अब एक्स्ट्रा बॉल कोई नहीं है। अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम हीट लगा सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा मुझे। और ये हो गया, ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे वापस से हीट लगाने के लिए। ये एक्स्ट्रा बॉल कहाँ से आ गया? तो एक बार प्री हीट करेंगे यहाँ पे, ज़रा कॉल आया, मैं थोड़ा सा होल्ड करूँगा। तो कॉल भी पिक करना ज़रूरी होता है क्योंकि नहीं तो कस्टमर चोर बोलेंगे हमें, उनका डिवाइस रख के हम नहीं फ़ोन उठाएंगे। तो इसलिए मैं अब क्या करूँगा, इसको फाइनल एक प्री हीट करने वाला है इसको, उसके बाद हम इसे मेल्टिंग पॉइंट पे लाएंगे। तो अब ये लगभग आने वाला ही है। थोड़ा सा टेम्परेचर और एयर चेंज होगा अभी यहाँ पे ताकि सही से लगा सकें इसे हमें।
लगभग लग गया है ये, एयर बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। क्योंकि अलग अलग एसओसी के हिसाब से अलग अलग मैं टेम्परेचर यूज करता हूँ कि वो जिंदा रह सके। अब इसमें दोबारा से एक बार फ्लक्स डालना पड़ेगा हमें, क्योंकि मैं अब इसको फाइनल टचअप देने वाला हूँ, यानी कि ये फाइनल बन के निकलेगा इसके बाद। तो ये आ गया हमारा, सारे बोल अटैच हो गए। हालांकि यहाँ पे कुछ कुछ लग रहा है कि नहीं हुआ है, पर कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। ओके तो अब इसे हम निकाल सकते हैं यहाँ से इजीली। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टेंसिल डी अटैच। अब इसे वापस से यहाँ डाल देता हूँ मैं। और वेरीफाई कर लेंगे हल्का फ्लक्स देके फाइनल, और एक बार इसको पोजीशन पे ला देंगे जहाँ पे रहना चाहिए बॉल्स। ओके तो ये अब हो गया, यानी कि इसे अब क्लीन किया जा सकता है, लगने के लिए तैयार है ये। तो इसको थोड़ा सा अब जूम कर लें यहाँ पे, तो ये ऐसा दिख रहा है। और इसको मैं धो देता हूँ। साथ ही साथ स्टेंसिल को भी धो लूँगा, क्योंकि ये हमारा टूल भी क्लीन होना चाहिए ना, तो इसी में धो लेंगे ताकि अपना कंजप्शन भी कम हो लिक्विड का, दोनों काम एक ही साथ हो जाए। ये हो गया अपना, साइड करेंगे इसे हम। अब इसको फाइनल यहाँ से हटाएंगे, और इसको भी हटा देंगे, इसको धोएंगे बाद में, पहले इस एसओसी को क्लीन कर लें। हो गया, अब डस्ट भी क्लीन चाहिए अपने को।
सॉरी। तो इस बार नो कांटेक्ट एयर से क्लीन करेंगे। और रीजन आप सभी को पता ही होगा अगर आप इंजीनियर हैं तो। ये हो गया फाइनल क्लीन। और नॉन कॉन्टैक्ट क्लीनिंग में ये एकदम क्लीन हो गया। अब इसमें कोई डस्ट वगैरह या कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। तो अगर ज़रा सा जूम कर दूँ मैं तो ये डेप्थ इफ़ेक्ट आ जा रहा है क्योंकि काफ़ी जूम है। तो ये अभी पूरा पूरी क्लीन है लगने के लिए। तो अब इसे करते हैं साइड और हम करेंगे अब बोर्ड पे काम क्योंकि इसका काम हो गया ख़त्म। इस टूल को हटा लेंगे और अब इस पे काम करेंगे। इसको साइड कर लेता हूँ मैं ताकि धूल मिट्टी ना आ जाए। वापस से मैं अब ग्लव्स यूज़ कर सकता हूँ तो पहन लेता हूँ। थोड़ा सा अच्छा लगता है और सेफ्टी भी रहता है। और सब टाइम मैं बोलता भी हूँ कि एक का कोई प्रिकॉशन लेके काम करे। तो अगर मैं खुद ही नहीं करूँ तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि ग्लव्स नहीं कर पाते काम तो उसके लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे अब क्लीन करना है वापस से। तो एक लेयर हटाता हूँ मैं यहाँ से। तो ये हट गया एक लेयर। ठीक, अब इस पे कुछ कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे हमको थोड़ा सा शोल्डर लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये और भी कुछ है ऐसा जगह तो फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। अब इसको मैं कर सकता हूँ क्लीन फाइनल लेयर। डिजल्विक ये हो गया क्लीन, एकदम क्लीन हो गया। फिर भी मैं एक बार इसको धो के चेक कर लेता हूँ ताकि ये कुछ रह तो नहीं गया। नहीं, कुछ नहीं रहा है इसमें। अब इसको फिर से क्लीन करना है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी दिख जाए क्या क्लीन करना है यहाँ पे। हल्का हीट लगा लूँगा ताकि यहाँ पे जो ग्लू है वो हीट हो जाए और निकल जाए।
बी एक्ट का हो गया पूरा क्लीन, बट इसको एक अच्छा क्लॉथ से साफ करना है, यानी कि इसके लिए स्पेशल क्लॉथ जो आता है आप अगर यूज करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप जाने और आपका काम। तो ये हो गया फाइनल क्लीन, फाइनल चेकअप में देख लेते हैं ये क्लियर हुआ या नहीं। तो मेरे हिसाब से क्लीन है, अब इसमें मैं लगा सकता हूँ SOC। तो फिर से वही फ्लक्स अप्लाई करना है यहाँ पे, तो अप्लाई कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, बट ये कुछ ज़्यादा आ गया, कोई इशू नहीं है, इसको हम फैला देंगे। एक्स्ट्रा जो है मैं उसको वहाँ से स्क्रैप कर सकता हूँ, वहाँ से इस तरह से, कुछ ज़्यादा ही लग गया था ये तो। तो ये हो गया, और थोड़ा सा स्प्रेड कर लेते हैं इस पर, तो ये अब रेडी है लगने के लिए। तो साथ में अब अलाइन भी करना है SOC को यहाँ पे, तो ज़रूर मैं कर लूँगा, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे इसको अलाइन करके लगाना भी है। तो अब इसको लगाने के लिए फिर मेरे को जाना पड़ेगा कहाँ, BGA मशीन पे, और वहाँ फुटेज अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको लगा के लाता हूँ, फिर से मैं इसको डायग्नोस करेंगे यानी चेक करेंगे कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। तब तक लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो ये लग गया SOC हमारा यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा ये इंस्पेक्ट कर लेते हैं, जो जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट है, बेसिक्स यानी कि जो जो चाहिए बेसिक। तो अब यहाँ पे हमको चाहिए एटलीस्ट किसी भी कॉइल पे इम्पीडेंस लो नहीं चाहिए, तो चल करते हैं ग्राफिक्स। तो ये तो इतना ही रहेगा, इसमें कोई ये नहीं है, S5 के सप्लाई जितने भी हैं ऑलवेज, ये भी सही हो गए, ये भी सही है, DDR के भी सही है, और मेमोरी वो भी सही है, और VS में अगर देखा जाए तो ये VS का नहीं है, ये तो अलग ही कुछ है। तो फ़िलहाल ये अब हम इसको चेक कर सकते हैं, इसको एक बार मैं इसको चालू करके देखता हूँ बाकी का कंपोनेंट लगा के इसमें एक्सटर्नल पार्ट। तो मेरा DC कनेक्टर अब इसे हम डायग्नोस कर सकते हैं यानी चेक कर सकते हैं। तो ये 5 पे आ गया 9, और ऑन करूँ अगर तो ये आपका बोर्ड ऑन हो गया, अब डिस्प्ले आने के लायक भी ये है। तो एक बार DDR मॉड्यूल लगाते हैं हम इस पर और देखते हैं कि ये चालू हो रहा है या नहीं। तो कहाँ गया इसका मेमोरी, हमें चाहिए ये, यहाँ पे है, और इसे हम चालू करके देखते हैं। अब 8:24:07 यानी कि ये चलना चाहिए, डिस्प्ले आना चाहिए इस पर। और एक बार मैं कीबोर्ड लगा के देख लेता हूँ कि क्या एक्सटर्नल कुछ ऐसा है। नहीं, तो एक बार से फिर इसको मैं एक बार रैम लगाता हूँ
ढंग से। अलग हीट सिंक लगाना पड़ेगा यहाँ पे, जो थर्मल मॉड्यूल है। डिस्प्ले आ रहा है इसमें, बट इसको मैं एक काम करता हूँ, इसका थर्मल मॉड्यूल लगा के इसको ज़रा डायरेक्ट चेक कर लेंगे इसके डिस्प्ले पे, क्योंकि हीटिंग हो सकता है ये। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन भी कर लेते हैं यहाँ पे। थर्मल पेस्ट जो कि चाहिए इसे, ये एक तो लग गया, दूसरा इधर लगाता हूँ मैं, और उसके बाद बाकी लगा लूँगा, क्योंकि मेरा हाथ नहीं बैठ रहा है ग्लव्स पहनने के कारण से पकड़ने में इशू हो रहा है। तो चलो अब लगा सकते हैं इसे। पहले दो दो ही लगा लेता हूँ मैं, जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए, बाकी तो फाइनल जब इसको कंप्लीट असेंबल करेंगे तब तो लग ही जाता है। ये हो गया, उसका एलसीडी मॉड्यूल चाहिए। इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ ताकि मुझे इस बोर्ड को रखने में आसानी हो। तो अब ये 9 ले रखा, डीसी इंजेक्टेड है, चालू हुआ बोर्ड, अब देखते हैं क्या हो रहा है। डिस्प्ले आता है या नहीं आता, आरटीसी सेल निकला हुआ है इसलिए डिले हो रहा है। तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले मिल गया, लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यानी कि एसपीआई राइट किया किसी ने, डिस्प्ले नहीं आया, तो इसलिए एसपीआई किसी ने ऑन नहीं हुआ, तो एसपीआई राइट किया होगा। तो ये हमारा होता है केस कंप्लीट। और यहाँ इसमें और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसको चेक करना है, इसको जस्ट एक दिन चला के या फिर एक दो घंटा एजिंग टेस्ट में लगाना पड़ेगा इसमें। तो इस तरह से केस कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा, अगर आप एंड यूज़र हैं, आप देख रहे हैं मुझे, तो अगर आप ऐसा कोई बोर्ड है जो नहीं हो पा रहा है एसओसी वाला, या कहीं से रिटर्निंग है, आप मुझे सेव कर सकते हैं वापस, आपको मैं सेव बैक कर दूँगा रिपेयर करके। अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि रिवॉल्विंग पे भी चलता है क्या एसओसी, तो बिल्कुल चलता है, लेकिन उसका कुछ अलग ही रिक्वायरमेंट्स है, कुछ अलग ही टेस्ट मेथड है, उसका कुछ अलग ही डायग्नोसिस मेथड है, उसको आपको सीखना है, या फिर कोई ट्रेनिंग रिलेटेड इंक्वायरी है, आपको क्वेरी है, तो आप उसके लिए मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है और आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने नॉलेज को आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो, और नहीं करना तो कोई बात ही नहीं, कहीं से भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में,
तब तक के लिए सभी को नमस्कार।